Assalamu alaikum, PSY631 psychological testing and measurements. इन दोनों की assignment तो different ही आती थी, लेकिन इस दफा इन दोनों की assignment मतलब कि course जो है वो different है, लेकिन जो course का जो content है वो same है. मतलब कि PSYP631 आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है और साथ में PSY631 जो है ये, हाँ PSY631 ये साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है मेजरमेंट. दोनों का कोड सेम है, दोनों का नाम सेम, सॉरी दोनों का कोड डिफरेंट है लेकिन नाम सेम है. और असाइनमेंट भी इस दफ़ा सेम आई है, लेकिन सम टाइम मैंने ये देखा है कि जो इसकी असाइनमेंट आती है वो डिफरेंट आती है क्योंकि इसके कोड डिफरेंट होने की वजह से. क्योंकि ए पी एस वाई पी जिसमें पी जुड़ा हो उसका मतलब उसका प्रैक्टिकल है, जिसका पी नहीं जुड़ा हुआ उसका मतलब उसका प्रैक्टिकल नहीं है उस कोर्स का. तो इसका इस जिनका ये कोर्स है इनका प्रैक्टिकल है. अब आते हैं असाइनमेंट की तरफ. इस असाइनमेंट की जो ड्यू डेट है वो 6 मई 2024 है. 20 नंबर की असाइनमेंट है और असाइनमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पहले डिस्कस कर लेते हैं. क्या इसमें लिखा हुआ है कि जो भी स्टूडेंट इस असाइनमेंट को कंप्लीट करेगा सक्सेसफुली वो काबिल हो जाएगा अंडरस्टैंड करने के कि किस तरह से इफेक्टिव आइटम्स ऑफ फॉर आ स्केल जो है वो होती हैं और जनरेट कर सकेगा आइटम्स फॉर टेस्ट कंस्ट्रक्शन के लिए. फिर आगे क्वेश्चंस दिया गया है, इसमें बताया गया, पहले क्वेश्चंस की डिटेल बताई गई है आपको कि ये जो एकेडमिक सेल्फ एफिकेसी होती है ना, ये बेस्ड है सेल्फ एफिकेसी थ्योरी ऑफ एल्बर्ट बंडूरा 1977 और ये प्लेस्ड होती है विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ सोशल कॉग्निटिव थ्योरी के तहत. और एकेडमिक सेल्फ एफिकेसी मतलब कि एकेडमिक का खुद की एकेडमिक मतलब के दरसगा सेल्फ एफिकेसी सेल्फ एफिकेसी मतलब के खुद की काबिलियत एकेडमी की काबिलियत आप इसे कह लें. अच्छा जो एकेडमी की सेल्फ एफिकेसी होती है वो पर्सन कन्विक्शंस के तहत जो होती है वो सक्सेसफुली तौर पर अचीव करता है और इंसान जो है वो डेजिनेटेड मतलब जो स्टूडेंट है वो डेजिनेटेड लेवल और स्पेसिफिक एकेडमिक जो सब्जेक्ट एरिया है उसमें कामयाब होता है. उसके बाद फिर क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. पहले सेल्फ एफिकेसी के बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया है जैसे कि सेल्फ एफिकेसी थ्योरी ऑफ एल्बर्ट बंडूरा 1977 और इसकी जो फ्रेमवर्क है वो सोशल कॉग्निटिव थ्योरी के बेस पे है. और बाद में भी आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो आपने कंस्ट्रक्ट करना है एकेडमिक सेल्फ एफिकेसी और डिफाइन करना है, सॉरी इसमें आपने डिफाइन करना मतलब कि डेफिनेशन आपने बतानी है एकेडमिक सेल्फ एफिकेसी की. फॉर दिस पर्पस आप इस मकसद के लिए आप कोई भी जो डेफिनेशन है ना किसी भी थ्योरीस्ट की आप लेटेस्ट आर्टिकल पढ़ लें. लेटेस्ट आर्टिकल में भी किसी ने अगर कोई डेफिनेशन न्यू बनाई हुई है या फिर आपको डेफिनेशन किसी भी थ्योरिस्ट की जो है डेफिनेशन सेल्फ एफिकेसी को लेकर अगर आपको एकेडमिक सेल्फ एफिकेसी लेकर अगर आपको यानी कि आपकी ये दरअसल ना ये असाइनमेंट जो है वो लॉजिकल है तो इसमें ये बुक के कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक मतलब कि हैंडआउट्स के कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक नहीं ज़रा पूछेगी, ज़रा लॉजिकल थोड़ी सी पूछेगी. लॉजिकल सिर्फ एंड में पूछा गया वो है लाइकर्ट स्केल की आइटम्स जो है वो आपने जनरेट करनी है. ओके तो सेल्फ एफिकेसी जो है वो उसकी डेफिनेशन एकेडमिक सेल्फ एफिकेसी की डेफिनेशन आपने बतानी है और डेफिनेशन जो है वो किसी भी थ्योरिस्ट की जो है वो आपने बतानी है और ये डिसाइसिव मॉडल फॉर और आपने जो डिसाइसिव मॉडल है ना वो कंस्ट्रक्ट करना है आइटम्स का. अच्छा आगे फिर सवाल नंबर दो में बताया गया कि जो बेसिक एलिमेंट्स हैं इंडिकेटर्स करते हैं एकेडमिक सेल्फ एफिकेसी को लेकर और आपने डिफाइन जो डेफिनेशन बताई है ना तो आपने उसमें से जो एकेडमिक सेल्फ एफिकेसी के जो इंडिकेटर्स ऑफ एलिमेंट्स है ना इंडिकेटर्स या एलिमेंट्स वो आपने लिस्ट आइटम बनानी है उनकी और फिर उसके बाद आपने डेवलप करनी है 7 आइटम्स मतलब कि 7 आइटम्स हमने डेवलप करनी है और एकेडमिक सेल्फ एफिकेसी लेकर लेकिन 5 उनके स्केल होने चाहिए पॉइंट स्केल और ये 5 पॉइंट स्केल जो है वो लाइकर्ट के जो स्केल हैं उसके मुताबिक होने चाहिए. अब लाइकर्ट का स्केल मैं हैंडआउट से ओपन करके दिखा देता हूँ. लाइकर्ट का यहाँ पे आप लाइकर्ट टाइप करेंगे फाइंड आउट्स में तो यहाँ पे ओके ये आ गया लाइकर्ट लाइकर्ट फॉर्मेट. ये लाइकर्ट का जो फॉर्मेट है पिछले साल भी इसकी आई थी असाइनमेंट लेकिन क्या था कि उसमें थोड़ा सा यही पोर्शन था लेकिन सवाल थोड़ा सा डिफरेंट था. उसमें स्ट्रॉन्ग डिसएग्री न्यूट्रल एग्री स्ट्रॉन्गली एग्री ये 5 आइटम्स होती हैं जिसके तहत जो है एकेडमिक सेल्फ एफिकेसी को जाना जाता है. ओके आगे चलते हैं हम. हाँ यहाँ पे
अच्छा यहाँ पे डेवलप करनी है आपने सेवन, जैसे कि सवाल नंबर 3 में पूछा गया है कि आपने डेवलप करनी है 7 आइटम्स और उनको यूजिंग करना है पॉइंट्स पॉइंट 5 पॉइंट स्केल्स के मुताबिक, मतलब कि लाइकर्ट के स्केल के मुताबिक, और 2 मार्क्स होने हैं ईच आइटम्स के। उसके बाद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई है आइटम राइटिंग को लेकर आपको स्टूडेंट्स को। इसमें बताया गया प्लीज़ आपने एक नोट फॉलो गाइडलाइंस को फॉलो करना है जो राइटिंग आइटम्स के मतलब, कोई भी राइटिंग आइटम्स के मतलब है जब भी आप लिखें, तो आपने आइटम्स को चूज करते हैं उनसे रिलेटेड जो स्पेसिफिक कंस्ट्रक्ट है ना उनको आपने स्टडी करना है। और स्टडी करने के बाद क्या है कि आपने अवॉइड करना है डबल बैडेड आइटम्स को, मतलब कि एक ही आइटम्स को आपने 2 दफ़ा यूज़ नहीं करना जो, और डबल बैडेड आइटम्स वो भी होती हैं जो जो कन्फ्लिक्शंस बाइस बने, और आइटम्स जो है वो मल्टीपल क्वेश्चंस के तहत जो है वो सिंगल स्टेटमेंट के साथ हो। और आपने जो सर्च आइटम्स जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर को लेकर या आर्टिकल्स को लेकर या स्किल्स जो भी आपने उसमें डिस्कस किए थे, तो आपने श्योर होना चाहिए कि ये रिहैप्स रिफ्रेज रिफ्रेज होते हैं और ये ऑनवर्ड्स हो, मतलब कि आप वो आपने आर्टिकल्स में से कोई स्केल पढ़ लिया, आर्टिकल में से कोई भी लिटरेचर आपने रीड आउट कर लिया, उसके मुताबिक आप आइटम्स जनरेट कर रहे हैं, तो वो हूबहू कॉपी नहीं करना, उसको रीफ्रेस कर देना, मतलब कि रीराइट कर देना, अपनी वर्डिंग में आपने उसको टाइप कर देना है। इसलिए जो सेल्फ हैंड राइटिंग है, चाहे टूटी फूटी आप इंग्लिश टाइप करें लेकिन करें, इसी से आपकी लिटरेसी जो है वो इन्हेंस होगी, आपको इंग्लिश का नॉलेज आएगा। ओके आगे फिर आपने इंश्योर रहना है कि जितनी भी आपने जो आइटम्स सेलेक्ट की हैं वो अंडरस्टैंड करने के काबिल और क्लियरली जो है वो स्टेट कर रही है, मतलब कि बयान कर रही है, और जो आइटम्स हैं वो की बिलीफ उनका उनका यकीन होना चाहिए कि ये पॉइंट के मुताबिक है। और जो और आपने ऐसे डबल नेगेटिव जो आइटम्स हैं वो नहीं यूज़ करने, और लास्टली जो है वो आपने प्लेस करने हैं प्ली 5 पॉइंट लाइकर्ट स्केल के मुताबिक, जैसे कि सवाल नंबर जो 3 3 में था कि 5 पॉइंट्स जो स्केल है वो, अब इसमें बता दिया गया है इसका जवाब सवाल नंबर 3 का कि आपने 5 पॉइंट लाइकर्ट स्केल फॉर्मेट फॉर आइटम्स के जो है वो आपने प्लेस करने हैं लास्टली, मतलब कि बनाने हैं। सॉल्यूशंस की तरफ आ जाते हैं। ओके सॉल्यूशंस की बात करें तो इसमें सबसे पहले मैंने डेफिनेशंस जो है एकेडमिक सेल्फ एफिकेसी की वो बताई है, और एकेडमिक सेल्फ एफिकेसी की जो डेफिनेशंस है जैसे कि कोई भी आप थ्योरिस्ट की डेफिनेशंस आप लिख सकते हैं, और अगर कोई थ्योरिस्ट है उसका नाम लेकर यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं एंड पे अकॉर्डिंग टू, लेकिन मैं ज़रा नाम लिखना भूल गया हूँ क्योंकि मैंने जो है वो स्टडी किया एक आर्टिकल, उसके तहत मैंने ये डेफिनेशन जनरेट किया है। उसके बाद किया कि बेसिक एलिमेंट्स ऑफ इंडिकेटर्स ऑफ एकेडमिक सेल्फ एफिकेसी है। अच्छा जब आप आर्टिकल वगैरह रीड्स करते हो ना, तो शुरू शुरू में आप छोटे छोटे आर्टिकल जो है वो रीड करो उसे, बड़े बड़े आर्टिकल्स जो होते हैं 20 पेजों के, 10 पेजों के, 50 पेजों के, 100 पेजों के भी होते हैं, आप कोशिश करो 5 या 3 वाले आर्टिकल जो है ना वो स्टडी कर लिया करो। इससे क्या होगा कि आपको जो नॉलेज है वो इन्हेंस होगा, आपको पता चलेगा किस तरह से रिसर्च करनी है, किस तरह से लॉजिकल पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, और आपका जो प्रोजेक्ट होगा फाइनल ईयर में तो आपको प्रोजेक्ट एरिया जो सिलेक्शन है वो आसान होगा। ओके बेसिक एलिमेंट्स जो है वो हमने डेफिनेशंस में से निकाली है एकेडमिक सेल्फ एफिकेसी को लेकर। इसमें सबसे पहले परसीव कॉम्पिटेंस है, फिर उसके बाद परसिस्टेंस है, गोल सेटिंग है, इमोशनल रेगुलेशन है, सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग है। अब परसीव कम्पिटेंसी में आप यही बता सकते हो कि जितना भी बिलीफ होता है वो अबिलिटी टू अंडरस्टैंड के मुताबिक होता है, और मास्टर एकेडमिक मटेरियल जो होता है उसके मुताबिक भी होता है। परसिस्टेंस में मैंने ये बताया कि जो विलिंगनेस है वो एक्सर्ट जो एफर्ट होती है परसिस्टेंस और फेस्ड ऑफ एकेडमिक चैलेंज को लेकर होती है। गोल सेटिंग में हम रियलिस्टिक एकेडमिक जो गोल है उनको काबिल बनाते हैं कि वो कॉन्फिडेंस और प्रश्योर धैम हो उनके मुताबिक हो। इमोशनल रेगुलेशन में बताया कि कैपेसिटी जितनी भी होती है वो अकेडमिक रिलेटेड स्ट्रेस जैसे कि एंग्जाइटी और नेगेटिव इमोशंस के मुताबिक कैपेसिटी जो है वो मैनेज करनी पड़ती है। सेल्फ रेगुलेटेड जो लर्निंग में मैंने यह बताया कि इफेक्टिव जो स्टडी स्ट्रेटजीज होती है वो टाइम मैनेजमेंट और स्किल्स के मुताबिक होती है, और सेल्फ मोनिटरिंग जो होती है वो अचीविंग एकेडमिक सक्सेस के मुताबिक होती है। आइटम्स फॉर एकेडमिक सेल्फ एफिकेसी ये सवाल नंबर 3 है, और ये सवाल नंबर 3 है, तो इसमें अगर बात करूं तो इसमें जो है वो बताया गया है सात तरह की मैंने आइटम्स जो हैं वो रखी हैं, और उनको मैंने सेल्फ जो 5 पॉइंट लाइकर्ट स्केल है ना उसके मुताबिक ये मैंने इसको 5 आइटम्स को 7 आइटम्स को जनरेट किया है।
इसमें सबसे पहले मैंने बताया कि आई एम एक स्टूडेंट्स को जानने के लिए कि वो कितने उसकी एकेडमिक सेल्फ एफिकेसी कैसी है, तो 7 तरह के पॉइंट्स जो हैं वो मैंने सॉरी 7 तरह के जो मैंने आइटम्स हैं वो जनरेट किए हैं। इसमें मैंने पूछा है कि आई एम स्टूडेंट्स से पूछा है कि आई एम कॉन्फिडेंट इन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड चैलेंजिंग एकेडमिक मटेरियल। इसमें मैंने पूछा है कि स्ट्रॉन्ग एग्री स्टूडेंट से, डिस एग्री, न्यूट्रल, एग्री, स्ट्रॉन्गली एग्री। उसके बाद फिर वी व्हेन फेस्ड वी डिफरेंट डिफिकल्ट एकेडमिक टास्क आई बिलीव आई कैन फाइंड अ वेज टू ओवरकम दैम, तो स्ट्रॉन्गली एग्री, डिस एग्री, न्यूट्रल, एग्री, स्ट्रॉन्गली एग्री। इस तरह से आपने जो एकेडमिक सेल्फ एफिकेसी को लेकर 7 जो है वो आपने आइटम्स जनरेट करनी है, मतलब कि सवाल, ठीक है, आपने स्टूडेंट से सवाल जनरेट जनरेट करके, जैसे कि आपका जब कोर्स मुकम्मल होता है, जब फाइनल टर्म के एग्ज़ाम मुकम्मल होते हैं, तो फिर आपसे एलएमएस में एक जो है वो क्या शो होता है आपको, वो आपकी एकेडमिक सेल्फ एफिकेसी को जानने के लिए एक सर्वे जनरेट होता है, और उसमें ऑलमोस्ट 40 आइटम्स होती हैं, और वो उसमें 40 आइटम में से जो होती हैं 35 जो आइटम्स होती हैं वो 5 पॉइंट लाइकर्ट स्केल के मुताबिक होती है। आपको शायद याद हो या ना हो, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि जब भी कोर्स मुकम्मल होता था तो हमें एक सर्वे जो है एलएमएस में शो हो जाता था, और पहले तो हम स्किप करते थे, लेकिन जब तक हम भी एक ऐसा स्टेज आती थी कि जब तक हम उसको सर्वे को कंप्लीट नहीं करते थे तब तक हम जो है वो लॉगिन नहीं कर पाते थे, यानी कि अपने कोर्स तक एसेस नहीं कर पाते थे, इसलिए फिर वो हमें मुकम्मल लाजमी तौर पर मुकम्मल करना पड़ता था। एक्चुअल में वो स्टूडेंट की सेल्फ एफिकेसी, एकेडमिक सेल्फ एफिकेसी को जानने के लिए वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने जो हुआ वो एक सर्वे जनरेट किया हुआ है। जब भी आपका जो कोर्स मुकम्मल होता है तो वो फिर उस कोर्स से रेलिवेंट जो है वो एकेडमिक सेल्फ एफिकेसी करवाती है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन ये है कि साथ में कि अगर आपको साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल काफ़ी हेल्पफुल लग रहा है स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को, तो काइंडली आप साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।